तो ये सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी नवंबर 1917 ईस्वी में। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि हिंद चीन में पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि पुर्तगाली। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 1881 ईस्वी में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि शहर में कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी पूंजीपति वर्ग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि रेशम मार्ग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूरोप आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि साम्यवादी शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस समाचार पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि 65%। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 3 वर्गों में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार था, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 400 करोड़ हेक्टेयर में। अगला क्वेश्चन है कि एक टीन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 10 किग्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि क, यानी कि एंथ्रासाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि चीनी उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी 1986 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पारारिट किस प्रकार का खनिज है, तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि धात्विक खनिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25.5%, यानी कि आंसर घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि जेड गुड्डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि भारतीय लोकतंत्र सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 1970 के दशक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि पेड़ बचाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तारी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ग यानी बहुदलीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि भारत, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी बिहार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि भारत में। और उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि SEBI। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी व्यावसायिक बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी कि मुंबई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि कर्नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी कि 4। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस अधिनियम की घोषणा कब हुई, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी 1986 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि हॉलमार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि नदी की तली में अवसाद का जमा होना, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में, क्वेश्चन नंबर 40 है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी कि आयताकार, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार दो बार देख करके याद कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।